फिर आला हजरत फरमाते हैं, अपने बड़ों की इज्जत करने से ना आप बड़े बनेंगे, छोटे नहीं होंगे। बड़ों का एहतराम करें, आप बड़ों का इकराम करें, आप बड़ों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएं। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, हुजूर के चचा के बेटे, इतना बड़ा खानदान तो नहीं ना हो सकता जितना मेरे नबी पाक का खानदान बड़ा है। हुजूर ने दुआ दी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को, लेकिन वो शागिर्द थे हजरत जैद बिन साबित के, उनसे हदीसें सुनते थे। तो पता है इतने बड़े खानदान के होने के बावजूद हजरत जैद बिन साबित उस्ताद थे। आला हजरत लिखते हैं एक दिन हजरत जैद बिन साबित घर से निकले घोड़े पे, जनाबे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हुजूर के सगे चचा के बेटे निकले, जनाबे जैद बिन साबित उनके उस्ताद हैं, तो शागिर्द ने दौड़ के उस्ताद के घोड़े की लगाम पकड़ ली और आगे आगे चलने लगे जिस तरह कोई खादिम चलता है। हजरत जैद बिन साबित कहने लगे, जनाब आप क्या कर रहे हैं, आप खानदान रसूल में से हैं। पाप फरमाने लगे, हमें बताया गया है कि उलमा का अदब करना है, हमें सिखाया गया है। जब ये लफ्ज कहे तो हजरत जैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला ने छलांग लगा के घोड़े से नीचे उतरे और जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का हाथ चूम के कहने लगे, हमें भी बताया गया है कि खानदान रसूल की इज्जत करनी है। हमारे बच्चे ना आजकल अदब से इसलिए खाली हैं कि हम सिर्फ अपना अदब कराते हैं। अगर सबका अदब कराएंगे तो इंशाल्लाह वो हमारा भी अदब करेंगे। इमाम कसाई रहमतुल्लाह अलैह से हारून रशीद कहने लगा, मेरे बेटे को घर आके पढ़ा दिया करें। तो आप फरमाने लगे, मैं नबी पाक अलैहि सलाम के इल्म को रुसवा नहीं कर सकता, तेरे बेटे ने हदीस पढ़नी है तो जहाँ सब के बच्चे पढ़ते हैं तेरा पुत्र भी वहीं आएगा। उसने कहा, जी ठीक है मेरा बेटा वहीं आ जाएगा, लेकिन इसे थोड़ा अलग से टाइम दे दें। फरमाने लगे, कोई टाइम अलग नहीं, सारी क्लास में जहाँ सब बैठेंगे तेरा पुत्र भी वहीं बैठेगा। अर्ज की, चलो इसका सबक ही पहले सुन लें। फरमाया, ये भी नहीं करूँगा, जो पहले आएगा सबक उसका पहले सुना जाएगा, ये नबी पाक का दीन है। अब हारून रशीद क्या कहता है, बादशाह है, कहता है हुजूर मैं आपको आजमा ही रहा था कि मैं अपने बच्चे को कहीं कच्चे उस्ताद के पास तो नहीं दाखिल कराने लगा, इंशाल्लाह ये आएगा और खिदमत करेगा आपकी, आएगा। हारून रशीद गुजर रहा था और इमाम कसाई रहमतुल्लाह अलैह ना वुजू कर रहे थे। ये आला हजरत लिखते हैं सारी बातें, सारी उन्हीं की सुना रहा हूं, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जुबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं की महफिल सवारता हूं, चराग मेरा है रात उनकी। चराग ने जब संवरना हो तो अंधेरा हो तो संवरेगा ना, वरना चराग को पूछेगा कौन। तो उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है पर रात, यानी मेरे चराग को चमकने का माहौल उन्होंने ही अता किया। तो इमाम कुसाई रहमतुल्लाह ताला अलैह वुजू कर रहे थे, हारून रशीद गुजर रहा है और हारून रशीद का बेटा शहजादा, सल्तनत का शहजादा, उस्ताद जी पैर धो रहे थे तो वो लोटे के साथ पानी डाल रहा था। हारून रशीद ने देखा तो गुस्से के साथ घोड़े से उतरा। लोग कहते हैं हम ये समझे कि अब हारून रशीद ना इमाम कुसाई पे गुस्सा करेगा कि शहजादे से वजू करवा रहे हैं। किसी ने इमाम कुसाई के कान में कहा कि हारून रशीद आ रहा है। फरमाने लगे, आ रहा है तो आने दो, मैं क्या करूं, आ रहा है तो आने दो। हारून रशीद करीब आया तो गुस्से में आया और आके पता क्या किया, जोर से अपने बेटे को थप्पड़ मारा। कहने लगा, रब ने तुझे दो हाथ दिए हैं और तेरे उस्ताद जी खुद पैर धो रहे हैं, एक हाथ से पानी डाल, दूसरे हाथ से उस्ताद के पैर धो, फिर तुझे पता चलेगा कि मैं किसी आलिम की खिदमत कर रहा हूं। हाँ, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, तू ये क्या कर रहा। हारून रशीद किसी की परवाह नहीं करते थे, लेकिन कोई आलिम दरबार में आता तो तख्त पे उठ के खड़े हो जाते। वजीर भी बड़े होते हैं ना मशवरे देने वाले। एक वजीर कहने लगा, हुजूर इस तरह तो सल्तनत का रोब चला जाएगा, ये भी मेरे आला हजरत ने लिखा है, रोब चला जाएगा, आप आने पर खड़े हो जाते हैं मौलवी साहब के। तो आप फरमाने लगे, मौलवी की इज्जत नहीं करता मैं, नबी पाक के दीन के इल्म की इज्जत करता हूँ, और अगर हुजूर के दीन की आलिम की इज्जत करते सल्तनत का रोब जाता है तो जाने दो, हुजूर के दीन के आलिम की कदर तो होती है ना। तो ये इन लोगों का मिजाज था।